Hi guys, welcome to my new vlog. Today is fourth day in Queenstown and we are doing the adventure of doing skydiving. आप मेरे left hand side में देख सकते हैं कि skydiving center पे हम पहुंच चुके हैं. Within 15 minutes from now we're going to be doing skydiving. So let's get started. It's going to be very exciting. तो गाइज ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है विलिंगटोनिया ट्री जिसका ओरिजिन कैलिफोर्निया से है जिसका सीड न्यूजीलैंड क्वींसटाउन में लाकर लगाया गया था। ये पेड़ प्रोटेक्टेड है और ये करीब 145 साल पुराना पेड़ है मगर आप क्या जानते हैं कि इस पेड़ की उम्र क्या हो सकती है 3000+ ईयर्स। जी हाँ आपने ठीक सुना 3000 से अधिक ये पेड़ की उम्र होती है। ये पेड़ 90 मीटर तक की हाइट लेता है जब फुली ग्रोन हो जाता है। इसका ट्रंक 7 मीटर तक का डायमीटर होता है। इसका क्राउन नैरोली कॉन शेप्ड एंड डाउन स्वेप्ट ब्रांचेस होती हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग पेड़। गाइस क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को सिंगिंग करते हुए? नहीं तो आज आप लकी हैं। देखिए इस क्यूट डॉग को अपने मालिक के साथ ताल से ताल मिलाते हुए। गाइज सारे स्टैट डेक और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने के बाद बहुत करेज मैंने इकट्ठा कर लिया था इस एयरक्राफ्ट से जंप करने के लिए। ये जंप मेरा तकरीबन 15,000 फीट का जंप होने वाला था। इस 15,000 फीट के टैंडम जंप में इंक्लूडेड था 1 मिनट का फ्री फॉल। ये फ्री फॉल मेरा होने वाला था 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। गाइज आई कैन टेल यू मेरा ये एक्सपीरियंस मेरे सेंसरी को ओवरलोड करने वाला था। तो गाइज मैं काफी एक्साइटेड और थ्रिल्ड हूँ। वेट कर रहे हैं हम हमारी बस के आने का और उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉप जोन पे। तो गाइज ये हमारी बस आ चुकी है और हमारा पिकअप एंड ड्रॉप हमारे टिकट में इंक्लूडेड होता है। Alright, we are in the bus now heading towards the drop zone, which is going to be an exciting experience. तो गाइस 15 से 20 मिनट की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं ड्रॉप जोन पर। Okay, so hey, welcome and welcome to the drop zone. Just a little bit of information. Got a little patch of grass there. That's where you're going to be landing today. If anyone wants tea, coffee, or the toilet, that's that room there. You can go to the toilet after we check you in. If anyone wants a cigarette, there's a chair just across the bus. Move my body. But for now, we're going to get you all together in the manifest room and we'll check you on the plane. Follow me. So guys, this is the briefing area where we get prepared before you go to the plane. अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आए हैं तो उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए अगर चाहें तो वो चेस खेल सकते हैं। यहाँ पर बेंच है, आराम से बैठकर अच्छे नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं और जो ऑलरेडी जंप कर रहे हैं उनको कूदते हुए भी देख सकते हैं। तो गाइज अब मेरा एयरक्राफ्ट आ चुका है। मैं ग्रुप 8 में हूँ तो मुझे अब अंदर जाना है और सूट वगैरह पहनना है एंड गेट रेडी फॉर अ जंप। आपको यहाँ तीन तरह के फॉल मिलते हैं। पहला है 9000 फीट जिसमें करीब 20 से 25 सेकंड का फ्री फॉल होता है और आप करीब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आते हैं। दूसरा है 12000 फीट जंप जिसमें आपको मिलता है करीब 40 सेकंड का फ्री फॉल और उसके बाद आता है 15000 फीट जंप जिसमें आपको मिलता है 60 सेकंड का फ्री फॉल और 12000 फीट की जो जंप है उसकी कॉस्ट है करीब 415 और 15000 फीट की कॉस्ट है 515 और 9000 फीट की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ती है तकरीबन $335। सॉरी गाइस हमारा स्काई डाइविंग आज हो नहीं पाया बिकॉज अभी इन्होंने आके हमें बताया कि विंड हैज पिक्ड अप और बहुत तेज हवा चल रही है और जिसकी वजह से उन्होंने हमारा जो भी बुकिंग अमाउंट था सारा रिवर्स कर रहे हैं। आज के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ अगर हो सकती है तो हम वो जाके करेंगे। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये यहाँ तक आए हम लोग 20 मिनट के ड्राइव के बाद और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि हम स्काई डाइविंग कर सकें। बट एनीवेज एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड।
पैटागोनिया आइस क्रीमरी एंड चॉकलेटरी, ये वाकाटिपू लेक के फ्रंट में ही है। 2005 में अर्जेंटीनियन होमलैंड लेड ओनर ने ये इंस्टाउन में ओपन किया था लोकल कम्युनिटी और विजिटर्स के लिए। ग्रेट आइसक्रीम फ्लेवर्स आपको यहाँ ट्राई करने को मिलते हैं, जैसे कि पैटागोनिया डार्क चॉकलेट, बनाना स्प्लिट, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड कुकीज, हॉकी पॉकी, ट्रमंटाना, बहुत सारे आइसक्रीम फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। काफ़ी फ्रोजन योगर्ट्स आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी एंड यमी है। लेक वाकाटिपू के फ्रंट में अगर आप आए हैं क्वींसटाउन तो आइसक्रीम तो बनती है, जरूर ट्राई करें। पॉकी पॉकी विद वनीला, दिस इज ट्रमंटाना, दिस इज कुकीज एंड वनीला हेज़लनट। अब आप एक्सप्लोर करें क्वींसटाउन का बोटानिकल गार्डन, जिसमें आपको मिलेंगे रोज गार्डन और काफी मैच्योर ट्रीज। यह लेक वाकाटिपू के ही साथ में बनाया गया है। इसका डिस्टेंस तकरीबन 3.1 किलोमीटर है और ड्यूरेशन 1.5 किलोमीटर है रिटर्न। ये पूरे साल भर बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर घूमने के लिए। यह गार्डन करीब 1866 में बना था, जिसमें आपको बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मिलेगा और आप काफी व्यूज अक्रॉस लेक वाकाटिपू टू पेनिनसुला एंड सिसिल एंड वाल्टर पीक को देखते हुए कर सकते हैं। Different without you next to me, holding my hand, but I'm okay with it, I'm just fine, taking it all, one step at a time, moving slower than ever before. तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं आई फ्लाई इंडोर स्काई डाइविंग। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं 100% प्योर ह्यूमन फ्लाइट्स। So you can fly to the top of the tunnel with the instructor. Okay. Do some spins. Yep. For just $20. Okay. You can also do a virtual reality skydive. Yeah, okay. Or wingsuit base jump. Okay. Yeah. हमारी सारी इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर के अंदर हमें डालनी होती है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इंडोर स्काई डाइविंग कर सकें। 1998 में आई फ्लाई ने इस टेक्नोलॉजी को पायनियर किया था। ये अब तक मोर देन 8 मिलियन लोगों को उड़ा चुका है। आई फ्लाई एक स्मूथ वॉल टू वॉल एयर कुशन बनाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति फ्लोट कर सकता है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया कि किसी भी तरह के कोई भी लूज ऑर्नामेंट्स मेरे बॉडी पे नहीं होने चाहिए, कि कुछ भी अगर लूज है तो वो शायद नीचे गिर सकता है। छोटी मोटी जो इंस्ट्रक्शंस थी उन्होंने मुझे जो बताई कि किस तरह से मुझे अपने पैरों को रखना है, कौन से साइंस मुझे याद रखने हैं, मुझे अपने हाथ को किस तरीके से आगे की तरफ रखना है, मुझे पैर को किस तरह से स्ट्रेच करना है, ये सारी जानकारी और छोटी सी एक ब्रीफिंग के बाद अब मेरी बारी थी अंदर जाने की। तो अंदर जाते ही मुझे किस तरीके से अपने आप अपना सर को ऊंचा रखना है, हाथ को किस तरीके से आगे की तरफ बेंड रखते हुए नीचे फॉल करना है, और जैसे ही मैं गिरूंगा ये मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी बॉडी पे, और जब तक कि हवा का प्रेशर पूरी तरह से नहीं बन जाता और मेरा पॉस्चर ठीक नहीं हो जाता तब तक पूरी हवा नीचे से नहीं दी जाती। मेरा पॉस्चर एकदम ठीक होने के बाद हवा पूरी प्रेशर के साथ मेरे ऊपर डाला जाता है और जैसे ही मैं पूरी तरह से फ्लोट करने लगता हूँ उसके बाद मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे साथ हवा में उड़ने लगता है। बाहर बैठी ये ऑपरेटर मैनेज करती है हवा के प्रेशर को, और मुझे पहला राउंड इतना अच्छा लगा कि मुझे दूसरा राउंड करने की इच्छा हुई, तो मैंने दूसरा राउंड फिर से किया और मेरा लास्ट राउंड होगा विथ वीआर इफेक्ट। Back and forth.
गाइज, अगर आप इंडोर स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी ना खोएं। आप VR जरूर यूज करें एटलीस्ट वंस। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे कि आप रियल स्काई डाइविंग कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हालांकि आप इस विंड टनल में बिल्कुल स्टेशनरी हैं VR के साथ, बट आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई स्पीड में फ्लाई कर रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, मस्ट ट्राई गाइस। गाइज, अगर आप न्यूजीलैंड में हैं तो LNP जरूर ट्राई करें। ये एक ऐसा ड्रिंक है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पीने के बाद। आखिर दिल है हिंदुस्तानी, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, जब तक इंडियन फूड ना खा लें तृप्ति नहीं मिलती। तो हम पहुंच गए हैं मिर्च मसाला। तो गाइज, हमारा डिनर शुरू करने से पहले, मैं जाने से पहले आपसे ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। We'll see you for the next one. Till then, take care. God bless you all. Bye for now.